बड़वानी जिले के ठिकरी में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हक के लिए शनिवार को नगर में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आदिम जाति सेवा सरकारी संस्था के बाहर खेत धरना आंदोलन किया गया। सुबह 11 बजे से आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के बाहर सैकड़ों किसान एकत्रित होने लगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठे होकर धरना प्रारंभ किया। इस दौरान किसानों के हक की लड़ाई हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया तो प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने बताया कि एक वर्ष बीत चुका है, फिर भी कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। साथ ही यूरिया के लिए महिलाएं और पुरुषों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा, जबकि कांग्रेसी नेताओं के घर से यूरिया की खाद निकल रही है। इसके अलावा ओम सोनी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से मिलने वाली सम्मान निधि 6,000 की राशि को भी किसानों के खाते में नहीं डाला है। ठीकरी से संवाददाता की रिपोर्ट। बात कहने शर्म आते हैं मुझे कि ठिकरी ब्लॉक ठिकरी तहसील हमारे जिले की सबसे बड़ी तहसील है और इस तहसील में सबसे ज्यादा जाके देखो, उसके दर पर जाके देखो कि उस किसान के क्या बीत रहे हैं। वो इंतजार करते करते थक गया है कि उन्होंने आदत थी 15 साल का शिवराजी सरकार ने जो भी उनकी फसल नष्ट हुई तब का उन्हें मुआवजा मिला है। यहाँ पे किसी प्रशासन किसी नेता ने उस किसान के खेत में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किस पहुंचे आएंगे, क्या लेकर आएंगे? आज किसान के खेत में कपास उसकी मक्का सोयाबीन पूरी नष्ट हो गई। कोई किसी जब आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेत धरना प्रदर्शन था, क्या उद्देश्य है इसका? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी राकेश सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल हैं, मंडल की प्रत्येक एक सोसाइटी पर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया गया था। मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों की समस्याएं हैं और एक वर्ष से कमलनाथ की सरकार ने उन किसानों के साथ धोखा किया है, उन किसानों के साथ छलावा किया है, उनके साथ धोखाधड़ी करी गई है, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। पिछले समय से हम देख रहे हैं कि किसान लगातार यूरिया के लिए लाइनों में लगे हैं। भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, सतना हो, दतिया हो, रीवा हो, सागर हो, सारे दूर यूरिया के लिए किसान लाइन में लगे हैं और 3-3 दिन तक रात और दिन लाइन में लगे, किलोमीटर से लाइन लगी है, वहाँ माता और बहनें भी लाइन से लगी है। उसके बाद कमलनाथ सरकार के द्वारा उन किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। जो यूरिया किसानों के घर पर होना था, जो यूरिया किसानों के खेत में जाना था, वो किसानों का यूरिया कांग्रेस के नेता अपने घरों में कालाबाजारी के रूप में रख रहे हैं। कल हरदा के अंदर 450 बोरी कांग्रेस नेता के घर में प्रशासन ने पकड़ी है। साथ में धार जिले के अंदर भी इसी प्रकार का वाकया हुआ और अन्य जगह जब छापे लगेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि एक वर्ष के अंदर कमलनाथ की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदेश के किसानों को ठगने का काम किया, उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया और कालाबाजारी करने का काम खुले रूप से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज धरना आंदोलन किया है और हम सब ने मांग करी है कि मध्य प्रदेश के किसानों का जो हिस्सा है, जो 6,000 रुपये की सम्मान की राशि है जो मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में नहीं गई है, वो 6,000 रुपये की राशि तुरंत प्रभाव से सम्मान राशि प्रत्येक मध्य प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए किसान के खाते में डलना चाहिए। दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये इस मध्य प्रदेश के किसानों को अतिवृष्टि के लिए दिए हैं, वो 1,000 करोड़ रुपये की राशि मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में जाना चाहिए। आज तारीख तक वो राशि अभी तक हमारे किसानों के खाते में नहीं गई है, वो सारी राशि जमा होना चाहिए। वो राशि अतिवृष्टि से जो किसान जिनको तकलीफ हुई है, जिनकी फसलें चौपट हुई, उन सब किसानों को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार से हम मांग करते हैं कि पिछले वर्ष का मक्का का 500 रुपये क्विंटल का बोनस, सोयाबीन का 500 रुपये क्विंटल का बोनस और प्याज का बोनस तुरंत प्रभाव से भावांतर योजना का दिलाया जाए। इसी बात को लेकर हम सब लोगों ने आंदोलन किया है।